अमृतसर च मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया रावण का दहन। देश भर विच बुराई ते चंगियाई दी जित दा प्रतीक त्यौहार दुसहरा बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया गया। दुसहरे मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर विखे श्री दुर्गियाणा मंदिर कमेटी वल्लों आयोजित किए गए प्रोग्राम विच पहुंचे, जिथे उन्हां रिमोट दे नाल रावण का दहन किया। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सारियां नूं दुसहरे दे त्यौहार दीआं शुभकामनावां भी दित्तियां। इस मौके डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी अते पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर भी मौके उत्ते मौजूद सन। जानकारी अनुसार श्री दुर्गियाणा तीर्थ विखे हर साल 100 फुट की उचाई ते रावण कुंभकरण अते मेघनाथ दे पुतले साड़ के दुसहरा मनाया जांदा है। इस तो इलावा श्री दुर्गियाणा तीर्थ विखे दुसहरे मौके हनुमान सेना अते लंगर वाले भी वड्डी गिणती विच आउंदे हन, जिस कारण प्रबंधां नूं बहुत सख्त कीता गया है। पंचायती चोणां रद्द होण ते राजा वड़िंग ने दिता वड्डा बयान। चोण कमिशन वल्लों गिद्दड़बाहा दे 24 पिंडां दीआं पंचायती चोणां रद्द होण ते पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दा वड्डा बयान सामने आया है। राजा वड़िंग ने चोण कमिशन दे इस फैसले दा स्वागत कीता है। उन्हां कहा कि जिहड़े वी पिंडां च तांदली होई सी उत्थे चोणां रद्द कर दित्तियां गईआं हन। उन्हां कहा कि इस संबंधी गिद्दड़बाहा विखे वड्डा रोस धरना देण तों इलावा पंजाब कांग्रेस दे सीनियर आगूआं दे वफद ने चंडीगढ़ विखे मुख चोण अधिकारी नूं मिल के सारे हालात तों जाणू करवाया सी अते इंसाफ दी मंग कीती सी। उन्हां कहा कि इंसाफ दी इह लड़ाई असीं जित लई है। राजा वड़िंग ने कहा कि हुण साडे नाल इस तरह की धक्केशाही करन दी कोशिश करन वालियां नूं सबक सिखाउण दा समां है। उन्हां कहा कि उकत पिंडां च चोणां करवाउण लई हुण अगली तारीख निर्धारित होवेगी। दसणयोग है कि अज चोण कमिशन वल्लों गिद्दड़बाहा दे 24 पिंडां च पंचायती चोणां नूं रद्द कर दित्ता गया है। यह फैसला नामजदगी वापस लैण च फर्जीवाड़े दे शक दे आधार ते लिया गया है। दरअसल दोष लाए गए सन कि नामजदगी अते कागज़ वापस लैण दे फार्म ते साइन वखो वख सन, जिस तों बाद इत्थे 24 पिंडां दीआं पंचायती चोणां ते रोक ला दित्ती गई। दिलजीत दी फिल्म पंजाब 95 नूं लै के भखिया विवाद, SGPC ने जथेदार कोल चुकिया मामला। पंजाब दे मशहूर अदाकार ते गायक दिलजीत दोसांझ दी फिल्म पंजाब 95 ते कट लाउण दा मामला होर भी भखदा जा रहा है। इस संबंधी SGPC मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नाल मुलाकात कीती। इस संबंधी गुरचरण सिंह गरेवाल ने जथेदार नूं मंग पत्र सौंपिया, जिस च सेंसर बोर्ड वल्लों फिल्म च 120 कट लाउण दा विरोध कीता गया है। इस मौके गरेवाल दा कहना है कि पंजाब 95 फिल्म, जिस च जसवंत सिंह खालड़ा दी जीवनी दिखाई गई है, पर इस ते सेंसर बोर्ड ने इतराज जताउंदिआं 120 सीन्स कट के सिखां दे दिलां नूं ढा लाया है। कौम नूं समर्पित सन खालड़ा। उन्हां कहा कि सिख कौम दे महान योद्धे रहे जसवंत सिंह खालड़ा दे धर्म सुपत्नी बीबी परमजीत कौर खालड़ा वल्लों एक चिट्ठी पंथ नाल जारी कीती गई, जिस नूं 2 तों 4 दिन हो गए हन, पर अजे तक इस ते कोई कार्रवाई नहीं कीती गई, जिस नूं लै के चिंता जाहिर कीती गई है। इस मौके गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि सिखां दीआं भावनावां नूं हर वार आहत कीता जांदा है। असल नसल कुशी की सी इह फिल्म च विखाया गया है। उन्हां कहा कि पंजाब च जो होया उसका इतिहास दर्शाउंदी फिल्म है पंजाब 95, जिस नूं इस तरह कट वढ़ के पेश नहीं कीता जाना चाहीदा। पंजाब 95 च जिहड़े सीन दिखाए गए हन उसदे मुकाबले तां मैं कहिंदा वी इस जिंदगी च मैं इन्नी वड्डी इस तरह दा इतिहास दर्शाउंदी कोई फिल्म नहीं। ਉਹ ਫਿਲਮ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ CBFC ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।